हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे इस बताए हुए टिप्स से आप फॉलो कर दो तो आपको दांत रोग से एकदम से छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी रेमेडी लेके आऊँ यानी टिप्स लेके आऊँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में, इस टिप्स के बारे में कि आपको कौन सी चीजें लेनी होगी जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको लेना होगा मखाना। आपको तो पता ही मखाना क्या होता होगा। तो आपको लेना होगा 10 ग्राम मखाना, 10 ग्राम आपको मखाना लेना है। और अब फ्रेंड्स, आपको शाम के समय अगर आप सोने जा रहे हो तो उसको 10 ग्राम मखाना को आपको भिगो देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मखाना जो मैंने आपको बताया सोने जा रहे हो तो आपको मखाना को भिगो देना है और सुबह में पीस के मिक्सी में पीस के और आपको दूध यानी गाय का दूध एक गिलास लेना है और उसमें मिक्स करके आपको सुबह में खाली पेट ही आपको उसका सेवन करना है। फ्रेंड्स, उससे आपको एक हफ्ते के अंदर अगर आप इस रेमेडी को इस टिप्स को फॉलो कर रहे हो एक हफ्ते में अगर आप इस पी रहे हो एक हफ्ता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फ्रेंड्स, आपको धातु रोग से एकदम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखने के लिए बता दे रही हूँ कि आपको गाय का ही दूध लेना होगा। उससे फ्रेंड्स बहुत ही यानी फिसर होता है गाय का दूध, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपको एकदम से शुद्ध सुपाचित भोजन करना है और शुद्ध पानी पीना है। और आपको बता दूं कि मसालेदार तो एकदम नहीं खाना है आपको, और जो लाल मिर्च होता है वो भी नहीं खाना है आपको, मसालेदार एकदम से छोड़ दीजिए, बहुत ही सेहतमंद रहेंगे आप। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस रेमेडी का बहुत से लोग फायदा उठाया, उनको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आप भी इस रेमेडी का फॉलो करें और आपको अच्छा से रिस्पांस भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस रेमेडी से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे मिलते हो अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।